दंतेवाड़ा का साप्ताहिक बाजार एक बार फिर गुलजार है। इस बाजार में कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिलती हैं जो किसी आम बाजार में आपको नहीं मिल पाती। आखिर क्या है इस बाजार की विशेषता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा में हर बुधवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। पूरे बस्तर संभाग का ये अनूठा बाजार माना जाता है, जिसमें दूर दूर से आदिवासी खरीददारी और अपने सामानों का विक्रय करने पहुंचते हैं। इस बाजार में फल, सब्जियों से इतर महुआ और सल्फी की खपत ज्यादा होती है। महुआ और मड़िया पेज आदिवासियों के पारंपरिक पेय माने जाते हैं, जिसका सेवन आदिवासी बड़े ही शौक से करते हैं। दंतेवाड़ा का बुधवारी बाजार ये है और आम बाजारों से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो किसी और बाजार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें। यहाँ पर फल, सब्जी और रोजमर्रा की चीजें तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का यहाँ पर क्रय विक्रय होता है वो है मड़िया पेज और महुआ। सबसे पहले आपको मैं मड़िया पेज दिखाना चाहूंगा, जो कि आदिवासियों का पारंपरिक पेय पदार्थ है और इसका सेवन वो करते हैं, और कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे भी हम जानेंगे जो इसका क्रय विक्रय करते हैं। ये जो मड़िया पेज है ये किस चीज़ से बनता है? चावल और धान को मतलब अंग वो उग जाता है ना सर, उसके बाद फिर उसको कूट के, चावल को भी कूट के, उसके बाद उसमें चावल को ऐसे पानी थोड़ा डाल के बनाते हैं, उसके बाद जाली से उबाल के फिर मटका में डालते हैं, फिर उसको धान को अंकुरी वाला निकला वाला को कूट के फिर उसके ऊपर डालते हैं छान के। 3 दिन के बाद ये अपना मड़िया पेज, हम लोग अपनी भाषा से लंदा बोलते हैं, तो तैयार हो जाता है 3 दिन के बाद। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है इसे ग्लास में नहीं दे रहे हैं, इसे पत्ते में दे रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? कौन सा पत्ता है जिसमें आप इसे परोसते हैं? ये अपना जो पारंपरिक स्थिति में लंदा गिलास में पीने से मुँह में नहीं जाता है, इसमें पत्ता से पीने से मुँह में अंदर घुस जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग पत्ते से इसका सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि बताया जाता है कि इसकी जो तरलता है, अगर आप इसे ग्लास से लेते हैं तो वो आप इसे निगल नहीं पाते, लेकिन पत्ते के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो आसानी से ये आपके गले में चले जाता है। और इसकी कीमत अगर बोले तो कितने रुपये में मिलता है एक पत्ता जो आपका मड़िया पेज है? एक कसेला में 10 रुपये में देते हैं। अच्छा। पत्ता तो 3-4 बार एक कसेला में पत्ता में चले जाएगा, अपन चिपड़ी बोलते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, दोनी दोनी दोना। तो ये जो चिपड़ी है, दोना है, ये इस तरह से इसे मोड़ा जाता है और इसके अंदर में जो मड़िया पेज है उसे भरा जाता है, और फिर जितने भी ग्राहक यहाँ पर आते हैं जो भी इसका सेवन करना चाहते हैं उन्हें 10 रुपये प्रति पत्ते के हिसाब से ये दिया जाता है। इसको पीने के बाद क्या शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा महसूस होती है, कैसा लगता है, किस वजह से इसका सेवन लोग ज़्यादा करते हैं? इसका ये एहसास होता है कि मैं खाना खाया हूँ टाइप का एहसास होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नशा नहीं होता है, बस वो भूखे रहेगा भी तो 2 चिपड़ी पी देगा, तो मतलब मैं शरीर के लिए मैं खाना खा लिया उन लग। तो शरीर के लिए बताया जाता है कि अगर आपको भूख लगी है, अगर आप भूखे हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आपने भोजन कर लिया है। हम आपके साथ थोड़ा सा आगे और जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए और हम देखते हैं कि यहाँ पर मड़िया पेज के अलावा कुछ और जो आदिवासियों के पारंपरिक पेय हैं उनका भी क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। और इस तरफ आप देखेंगे कुछ महिलाएँ बैठी हैं जो कि महुआ यहाँ पर बेच रही है, और ये जो एक गुंडी नुमा बर्तन उसमें महुआ रखा हुआ है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो महुआ है इसे आप लोग घर पर तैयार करते हैं, किस तरह से आप लोग इसे बनाते हैं, और बताया जाता है कि ये जो बुधवारी बाजार है यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा मांग भी होती है। जी, इसका शुरुआत ऐसे होता है भैया, हम लोग महुआ को हंडी में डालते हैं, हंडी कितना पहली पकड़ता है उसके अनुसार 3 पहली वाला हंडी है तो 3 पहली का लायक महुआ डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, कम से कम 6 दिन में तैयार हो जाता है अंडी में पहुंच गया, कड़वा लग रहा है तो हम पहुंच गया तो हम उसके बाद दारू बना लेते हैं। तो ये जो महुआ है ये पारंपरिक पेय है और आदिवासी बताते हैं कि खुशी के मौके पर इसका सेवन किया जाता है, और आप देखेंगे तो बिल्कुल ये देखने में आपको पानी की तरह दिखेगा, एकदम साफ इसका रंग है, हल्का सा गेहुआ रंग है इसका, पानी की तरह बिल्कुल ये दिखता है। और एक चीज़ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया था कि जो मड़िया पेज है उसको पीने से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमने भोजन किया है, थोड़ा सा पेट भरा रहता है, महुआ की मंद इसे कहा जाता है, और जैसे मड़िया पेज पीने से थोड़ा सा पेट इंसान का भरा लगता है, हल्का सा नशा होता है, लेकिन क्या इसका नशा थोड़ा ज़्यादा चढ़ता है? हाँ, ज़्यादा चढ़ता है, इसका तेज चढ़ता है। तो ये आदिवासियों का पारंपरिक पेय था जो कि बुधवारी बाजार में मिलता है, और अक्सर जो आदिवासी हैं वो इसका सेवन करके ही अपने घर से निकलते हैं दूसरे कामों को करने के लिए, लेकिन जो
तो पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं जिनके मन में इसे जाने की जिज्ञासा होती है वो भी इसका सेवन करते हैं और काफी शौक से इसका सेवन यहाँ पर किया जाता है। इस बाजार में आपको मुर्गे और मछलियों का भी विक्रय देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसी बाजार में ही पाई जाती हैं। टीवी 24 की टीम ने दंतेवाड़ा के इस साप्ताहिक बाजार का जायजा लिया और इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। टीवी 24 के लिए कैमरामैन कपिल के साथ अमित शर्मा, दंतेवाड़ा।